जो फाउंडेशन स्टोन था वो स्टार्ट किया था 1995 से। स्टार्ट हम लोगों ने HDPE पाइप से लिया था। हम लोग सिंथेटिक तकरीबन तमाम पाइप्स बनाते हैं। मौजूद है न्यू टेक के मैनेजर आसिम, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइए पहले तो एग्जीबिशन कैसे चल रही है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट एग्जीबिशन? कराची में हम लोग का सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम हम शुगर इंडस्ट्री में आए थे और ये सेकंड टाइम है कि हम यहाँ पे आए हैं और अभी तक तो अच्छा एक रिव्यू मिल रहा है। डिस्पाइट के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके बावजूद भी एक अच्छा लोगों का काफ़ी अच्छा फुटफॉल मिल रहा है। ठीक है, मुझे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी हैं और इनमें से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है और उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा है? हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था न्यू टेक इंडस्ट्रीज़ की जो फाउंडेशन स्टोन था वो स्टार्ट किया था 1995 से। स्टार्ट हम लोगों ने HDPE पाइप से लिया था। हम लोग सिंथेटिक तकरीबन तमाम पाइप्स बनाते हैं, HDPE, PVC, देन वी आर इनटू PPRC, देन वी आर ऑल्सो इनटू MDPE। और अगर आप साइजेस की बात करें तो क्वार्टर ऑफ इंच से लेकर तकरीबन 48 इंचेस तक पाइप बना रहे हैं। एक्सपोर्ट का वी हैड सम एक्सपीरियंस विद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, लेकिन करेंटली वी आर नॉट इनटू द एक्सपोर्ट नेटवर्क एनी मोर। आपका जो ये सीवरेज हमारे पाकिस्तान में इतनी है, व्हाट डू यू थिंक कैसे रिजॉल्व होगी, कैसे सॉल्व इसे, सॉल्यूशन क्या है एग्जैक्टली? मैडम, पायदार काम करना इज़ द मेन थिंग। पायदार काम, अगर गवर्नमेंट सिंसियर हो हमारे और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो सिंसियर हों और पायदार चीज़ें लगवाई जाएँ तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने पायदार की बात करी तो व्हाट डू यू थिंक आपकी प्रोडक्ट्स इतनी पायदार हैं? इतनी पायदार हैं जितनी आप हाउसिंग सोसाइटीज़ अगर बड़े नाम लेंगे या बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लेंगे तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।